अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अमारात सबर, रोल नंबर 18289, बीएससी 6th इनिंग ए। मेरा क्वेश्चन है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ प्राइस सम, एंटर द बेस एंड हाइट एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ द वॉल्यूम एंड द फिबोनाची सीरीज, एंटर द नंबर, कैलकुलेट द फिबोनाची सीरीज। एक्लिप्स के ऊपर हमने इसे सॉल्व किया है, इसकी अकॉर्डिंग है इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। इसका मतलब है कि ये स्कैनर वेरिएबल है और पब्लिक हमने वॉल्यूम ऑफ प्राइस सम यहाँ पर हमने ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है पब्लिक क्लास के अंदर। और पब्लिक स्टैटिक वर्ड में इनका मतलब है कि ये एक मेथड है इनपुट वेरिएबल कन्वर्ट टू आर्गुमेंट के अंदर। स्कैनर एस ये इस लाइन का, ये भी एक मेथड है टू रीड द इनपुट वेरिएबल, ये वेरिएबल को इनपुट करने के लिए यूज होता है। सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन एंटर द एरिया, यहाँ पे हमने शो करवाना है एंटर द एरिया जो हमने यूजर से, एंटर एरिया ऑफ द बेस जो हमने यूजर से लिया है। डबल डाटा टाइप है और यहाँ पे जो डबल नेक्स्ट डबल यूज हुआ है ये स्टोर गिवन वैल्यू, ये जो गिवन वैल्यू होगी इसके अंदर स्टोर होगी। अब यहाँ पे एंटर द हाइट लेनी शो करवानी है, डबल अगेन डाटा टाइप आ गई, ये शो हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। डबल डाटा टाइप आ गई, एरिया का फॉर्मूला बेस मल्टीप्लाई हाइट, और स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द प्राइस सम इज प्लस एरिया। एरिया यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू ऑफ प्राइस सम के इज इक्वल आ जाएगी एरिया की जो वैल्यू होगी। अब सेकेंड पार्ट ऑफ माई क्वेश्चन इज फिबोनाची सीरीज, यहाँ पे इंट एन इज इक्वल टू 20, कोई भी हम यहाँ पे वैल्यू ले सकते हैं। फर्स्ट टर्म को हमने जीरो कह दिया, सेकेंड टर्म को वन कह दिया। अब फिबोनाची सीरीज हमने प्रिंट करवानी है अनटिल उसके अंदर एन प्लस हमारी जो टर्म है वो हमेशा प्लस होती रहे। तो आई इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज करवा दिया, यहाँ पे फोर लूप लगी है, आई को यहाँ पे उसको कंडीशन दे दिया और आई में इंक्रीमेंट होगा। अब हमें स्क्रीन पे प्रिंट क्या करवाना है, फर्स्ट टर्म जो है हमारी वो जीरो है और उसके साथ प्लस कर देना हमने कोमास, मतलब जीरो के बाद वैल्यूज आएंगी उनके दरमियान में कोमा आएगा। इंट अगेन डाटा टाइप लिया, नेक्स्ट टर्म जो है वो हमारी बराबर है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के। फर्स्ट टर्म हमारी यहाँ पे जीरो थी, सेकंड टर्म हमारी वन थी, तो फर्स्ट टर्म बराबर है सेकंड टर्म, मीन्स टू से यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो बराबर हो गई सेकंड टर्म के और जो सेकंड टर्म है वो बराबर है नेक्स्ट टर्म के। तो जीरो और वन कितना हो गया, वन। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को जब प्लस करेंगे तो 1+1 हो जाएगा। अब हम इसको आउटपुट दिखाते हैं 10, 520 और ये फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज 0, 1 को प्लस किया 1, 1, 1 को प्लस किया 2, 1, 2 को प्लस किया 3, 2, 3 को प्लस किया, इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा।